सरकारी स्कूल हुआ गौशाला में तब्दील। प्रशासन कर रहा स्कूल की ओर अनदेखी। खंडर में तब्दील हुई स्कूल की इमारत। महाराष्ट्र टीवी 24 का खुलासा। भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है और ऐसे में ही एक घटना यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है गड्डी गोदाम में, जहाँ पे ये कारपोरेशन की स्कूल है, नागपुर महानगर पालिका की ये स्कूल है, जहाँ पे 20 गायों को नागपुर शहर पुलिस द्वारा जो यूनिट क्रमांक 2 है उनके द्वारा यहाँ पे बचाया गया है और इसमें 10 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। ये हम यहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचे, ये वही जगह है जहाँ पे पूरी गायों को रखा जाता था यहाँ पे, और ये जो कत्ल यहाँ पे किए जाते थे, यहाँ पे आसपास के जो भी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पे जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी विरोध यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और ये जो कॉरपोरेशन की स्कूल है तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है उस पर भी हमने बात किए हैं, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे जी से भी बात की हुई है, तो उनका कहना यही है कि हमने बांधकाम विभाग को भी इसकी सूचना दी थी कि ये इमारत जल्द से जल्द गिराया जाए और हमको यहाँ पे पुलिस स्टेशन बनाने की परमिशन दी जाए, लेकिन फिर भी बांधकाम विभाग और महानगर पालिका अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है और कोई भी सूचना अभी तक उनके तरफ से नहीं आई है। यहाँ पे जो ये स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये यहीं पे पूरी गायें बंदी थी, जो भी गौवंशी पूरे यहाँ पे थे और यहाँ पे जो गायें बंदी थी, यहाँ पे ये रास्ता जाता है, यहाँ पे पीछे में यहाँ पे दो रास्ते यहाँ से निकलते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से जो पीछे यहाँ पे गायें बंदी थी, ये गायों को यहाँ पे बांध के रखा जाता था और यहाँ से जो दूसरा दरवाजा आप देख रहे हैं, यहाँ से ये दरवाजे से अगर कुछ भी यहाँ पे कार्रवाई होती है तो अपराधी बड़े ही आसानी से यहाँ से फरार हो जाते थे। और ये अभी दरवाजा बंद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे पूरी गाय बंदी हुई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा क्रमांक 2 द्वारा जो आपराधिक शाखा है उनके द्वारा जो अपराधियों पे जो कार्रवाई की गई है उस पर आखिर आगे में क्या ठोस कदम उठाएंगे और उनको किस प्रकार सजा होंगी, कानून के तहत अगर गौ हत्या अगर की गई है और या फिर अगर उनको परिवहन में ले जाते हैं तो 7 साल की सजा का ये प्रावधान है, लेकिन अभी इन अपराधियों पे किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जाएंगी, क्या ये अपराधी छूट जाएंगे, ये भी अभी सवाल बना हुआ है। और यहाँ की जो आम नागरिक है, अभी भी इन्होंने यहाँ पे इतने दिनों से जो यहाँ पे कत्लखाना जो हो रहा था, चल रहा था, इस पर कोई आवाज नहीं उठाई है। सरकारी स्कूल हुआ गौशाला में तब्दील। प्रशासन कर रहा स्कूल की ओर अनदेखी। खंडर में तब्दील हुई स्कूल की इमारत। महाराष्ट्र टीवी 24 का खुलासा। ये जो यहाँ पे जो लाल इमारत जो स्कूल है जो महानगर पालिका के अंतर्गत आती है, इस पर अभी तक नागरिकों ने भी अपने तरफ से सूचित नहीं किया गया है कि ये जो इतने दिनों से जो स्कूल बंद है इस पे आखिर कब कार्रवाई की जाएगी, कब ये इमारत तोड़ी जाएगी, अभी तक नागरिकों के द्वारा कहीं पे भी सूचित नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा ये आवाज उठाई गई है, 2 बारी पुलिस प्रशासन ने निवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक बांधकाम विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकारी स्कूल हुआ गौशाला में तब्दील। प्रशासन कर रहा स्कूल की ओर अनदेखी। खंडर में तब्दील हुई स्कूल की इमारत। महाराष्ट्र टीवी 24 का खुलासा। स्कूल के यहाँ पे हम सीढ़ियों से द्वारा ऊपर में आए, हम छत पे यहाँ पे खड़े आप देख सकते हैं, आइए हम आपको क्लासरूम भी दिखाते हैं। जो यहाँ पे क्लासरूम है, यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कचरा भरा पड़ा है और यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी धज्जियाँ उड़ रही है, जो पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत की जो अभियान की है वो पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ से जो 14 सालों से जो ये स्कूल बंद है, आखिर प्रशासन का इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है। गुन्हे शाखा युनिट 2 यांना माहिती मिळाली की लाल स्कूल इमारत आहे गड्डी गोदाम मध्ये, जी खूप वर्षापासून पडी इमारत आहे, त्या ठिकाणी काही गोवंश जनावरं आणून डांबून ठेवलेली आहेत। त्यांना माहिती मिळाल्यानंतर ते त्याची कारवाई केली, कारवाईमध्ये त्यांना 20 जनावरं तिथे मिळाली, 20 जनावरं घेऊन त्यांनी ते
कोंडवाड्यामध्ये नेऊन सोडलेली आहेत. त्याच्या संदर्भाने 10 जणांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राणी क्रूरता अधिनियमच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर 10 आरोपींपैकी 6 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. बाकी 4 आरोपींचा शोध घेणं चालू आहे. सदरची शाळा ही खूप वर्षापासून पडीक असल्यामुळे पोलीस ठाण्यातर्फे देखील NMCला पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे की सदरची शाळा जी आहे ती पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात यावी, त्या ठिकाणी दुसरी उपयोगी अशी कुठली तरी वास्तू उभारावी जेणेकरून असा कोणत्याही गैरकानूनी पद्धतीसाठी त्या जागेचा वापर होऊ नये. तसेच सदर परिसरामध्ये मोकळी जनावरं फिरताना खूप दिसत आहेत, तर त्यांचाही त्यांनाही रस्त्यात फिरताना दिसत असल्यामुळे लोकांवरती त्या जनावरांकडून अपघात होण्याची शक्यता आहे, एखाद्या लहान मुलांना मारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशी मोकळी जनावरं आहेत त्यांना देखील ताब्यात घेऊन कोंडवाड्यात ठेवण्याबाबतचं पत्रव्यवहार पोलीस ठाणेकडून करण्यात आलेलं आहे. सदर परिसरात आमचीही देखील गस्त चालू असून असे कोणी प्राणी वगैरे आणल्यास त्यांच्यावर कारवाई करत आम्ही पुढे देखील कारवाई करू. आता जशी कारवाई केलेली तशी कारवाई करू. सरकारी स्कूल हुआ गौशाला में तब्दील, प्रशासन कर रहा स्कूल की ओर अनदेखी. खंडर में तब्दील हुई स्कूल की इमारत, महाराष्ट्र टीवी 24 का खुलासा. जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो झूले लगे हैं, व्यायाम के लिए जो झूले लगे हैं, यहाँ की जनता का भी कहना है कि आखिर यहाँ पे जो पूरा कचरा घर बना के रखा हुआ है, प्रशासन का जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान हो रहा है, प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रही है निरंतर. मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी भी कई गौवंश यहाँ घूम रहे हैं, बछड़े यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे पूरा कचरा घर ये बना के रखा गया हुआ है. और यहाँ पे जो स्कूल की जो यहाँ पे जो लेबोरेटरी कही जाती थी वो लेबोरेटरी को यहाँ के लोगों के इसमें पूरा यहाँ पे कबाड़ा भरा हुआ है. आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो लेबोरेटरी स्कूल की लेबोरेटरी थी तो ये लेबोरेटरी में पूरा कचरा भरा हुआ है और यहाँ पे ये पूरा कबाड़ पूरा रखा हुआ है. आप देख सकते हैं यहाँ पे अलमारियाँ रखी है, यहाँ पे जो पूरा कबाड़ भरा पड़ा है. ये एक जमाने में यहाँ की जो स्कूल की जो लेबोरेटरी होती थी, यहाँ पे किताबें और सब यहाँ पे स्टूडेंट लोग पढ़ते थे. ये स्कूल कम से कम 12-15 साल से बंद बताई जा रही है और ऐसे में यहाँ पे जो प्रशासन का जो संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है. बांधकाम विभाग को काफी समय से सूचित भी किया गया था और हमारी जो सर से बात हुई थी, वरिष्ठ परीक्षक निरीक्षक जो है सदर थाने के मनीष ठाकरे जी, उनसे भी चर्चा की थी. पुलिस प्रशासन द्वारा भी बांधकाम विभाग को और महानगर पालिका को सूचित किया गया था और यहाँ पे जो संपत्ति का नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है. और अभी तक हमारे जो निवेदन दिए गए थे उस पर भी अभी तक कोई हमको यहाँ पे सूचना नहीं मिली है, कोई सूचना हमारे को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. आइए जानते हैं, बाहर भी चलते हैं और भी हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि आखिर स्कूल की रूपरेखा जो है वो क्यों बदली हो गई और जो 13-14 साल से स्कूल बंद है. तो यहाँ की जो आम नागरिक है उन्होंने भी अपने तरफ से कोशिश की थी, उनका भी कहना यही है कि यहाँ पे नागरिकों की जो स्वास्थ्य के लिए है या तो हॉस्पिटल बनाया जाए या फिर जो यहाँ पे जो आसपास जो पुलिस प्रशासन जो कह रही है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन बनना चाहिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नागरिकों की भी मांग है लेकिन कोई सामने आके बोलने को तैयार नहीं है. कैमरामैन प्रवीण के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महाराष्ट्र टीवी 24.